दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कालीबाड़ी मंदिर में मत्था टेक कर घर घर जाकर लोगों से किया जनसंपर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि राज्य मंत्री ने राज्य स्तरीय रवि उत्पादन गोष्ठी कर संबंधित अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का दिया निर्देश। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए युवक की मौत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। दिवसीय ग्राम प्रधान संगोष्ठी में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से किया सीधा संवाद, कहा गाँवों के विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पेंशनरों के साथ की बैठक, सुझाव एवं समस्याओं पर की चर्चा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर नेक्सी भवन में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर में आपदा मित्र व सखियों ने लिया भाग। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 117 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। ऑपरेशन चक्रवात के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सीएमओ ने जानकारी, कहा प्राइवेट पैथोलॉजी संचालकों को डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की देनी होगी जानकारी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मनाई भगत सिंह की 114वीं जयंती। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 70 सहित शहर के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर उपनगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मिशन शक्ति अभियान के तहत बेनीपार थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं व युवतियों को किया गया जागरूक। और पेयजल की समस्या को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर